ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव के तार मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। ईडी ने महादेव ऐप से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ छापेमारी की है। वहीं एजेंसी ने भोपाल, कोलकाता और मुंबई में छापेमार कार्रवाई की। बता दें कि भोपाल में ईडी ने रैपिड ट्रैवल्स पर कार्रवाई की है, तो वहीं ट्रैवल्स के ऑफिस में करीब 8 घंटे तक सर्चिंग की गई। यहां से कई दस्तावेज टीम अपने साथ ली गई है। रैपिड ट्रैवल्स महादेव समूह के अधिकांश आयोजनों के लिए यात्रा व्यवस्था करने के लिए काम किया करती थी। जायजा लिया संवाददाता हरप्रीत कौर रिन ने। राजधानी भोपाल में महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के भोपाल गेट के इलाके में कृष्णांचल कॉम्प्लेक्स के सामने। रैपिड ट्रैवल्स के नाम से जो शॉप यहां पर नजर आ रही है, इन्हीं के संचालकों पर ईडी ने ये कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने घंटों तक सर्चिंग की है रैपिड ट्रैवल्स के भोपाल के कृष्णांचल इलाके के अलावा कई और जगहों पर भी ऐसे ट्रैवल्स के शॉप्स हैं। यहां से करोड़ों रुपए के हेराफेरी संबंधी बैंक डिटेल्स ईडी को मिली है। इस रैपिड ट्रैवल्स के जो संचालक हैं धीरज आहूजा और विशाल आहूजा, इनके लाल घाटी, बैरागढ़ सहित कई ठिकानों पर ईडी ने एक साथ दबिश दी है। कंपनी महादेव एपीपी प्रमोटर, व्यवसायिक सहयोगियों और यहां तक कि मशहूर जो हस्तियां यहां पर आती हैं उनके टिकटिंग संचालन के लिए पूरा काम कर रही थी। ईडी की कार्रवाई भोपाल के साथ ही कोलकाता, मुंबई में भी हुई है और बताया जा रहा है कि 471 करोड़ कैश, जेवरात, सोने के बिस्किट, बैंक डिटेल्स यहां पर सामने आई है। फिलहाल भोपाल में अभी भी ईडी की जो कार्रवाई है, सर्चिंग है, पूछताछ है, वो जारी है। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रिंग।